कि किसकोड़ गांव में नक्सलियों की दहशत के चलते बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। दरअसल नक्सलियों ने स्कूल भवन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया था, लेकिन अब सालों बाद यहां पर तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। जिस जगह स्कूल भवन को ब्लास्ट किया गया था, उसी जगह पर फिर से शिक्षा की अलख जगाई जा रही है। उसके पास ही झोपड़ी नुमा स्कूल बनाया गया है, जहां पर बच्चे अब एक बार फिर से अपना भविष्य गढ़ने के लिए आ गए हैं। वहीं फोर्स के बढ़ते दबाव के चलते नक्सली बैकफुट पर भी आ गए हैं। साथ ही इस बार यहां पर पंचायत चुनाव में 70% से अधिक मतदान हुआ है। इस वक्त मौजूद है कांकेर जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र किसकोड़ो ग्राम में, जहां पर नक्सलों के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व लगभग 2006-07 में स्कूल भवन को धराशायी कर दी गई थी, जिसके बाद से यहाँ पर पढ़ने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को पढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन ग्रामीणों और पुलिस की मदद से यहाँ पर स्कूल भवन जहाँ पर धराशायी कर दी गई थी, उसके जस्ट बगल में सीट की बिल्डिंग बनाई गई है, जहाँ पर आज स्कूली छात्र छात्राएं शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। कांकेर से सुशील सलाम, स्वराज एक्सप्रेस। 2 फरवरी को चित्रकूट की